इस देश की जनता हमेशा बुद्ध के रास्ते, महावीर के रास्ते, राम के रास्ते, शिव के रास्ते, कृष्ण के रास्ते चले, और आप हमेशा उत्तेजना वाली बात करें तो आज का युवा उत्तेजना नहीं देखना चाहता, वो जिंदगी चाहता है, वो जीना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है। आज 25-30 सीट, कम से कम 25 सीट होती है आज इंडिया को। आप कितने कितने से हार रहे हैं, आप मधेपुरा हार रहे हैं, आप कटिहार हार रहे हैं, सुपौल हार रहे हैं, आप खगड़िया हार रहे हैं। सर, मेरी आइडियोलॉजी कंप्लीट रूप से राहुल जी, प्रियंका गांधी जी की है। पीएम मोदी से हम निश्चित रूप से मदद लेंगे। अब तो मैं चाहता हूँ नीतीश जी और चिराग जी, आपके भरोसे, आपके रमो करम पर सरकार है, आप चरण पादुका भी कर लिए, तो सबसे पहले आप जो 69% आरक्षण दिए हैं देश में, आप वो लागू करवाइए। दूसरा, जाति जनगणना लागू करवाइए। तीसरा, विशेष राज का दर्जा लीजिए, विशेष पैकेज लीजिए। पूर्णिया सांसद सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर सांसद बने पप्पू यादव ने अब कांग्रेस से बड़ी मांग कर दी है। पप्पू यादव ने अब शर्त भी सामने रख दी है और पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगने की भी बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हें चुनाव में हराने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाले राजद नेता सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर अब पप्पू यादव खुलकर बरस रहे हैं। उन्होंने बिहार के युवराज में अहंकार होने की बात करते हुए बिहार में चुनाव में विपक्ष को बड़ा नुकसान होने का जिम्मेवार बताया है। आगे सुनिए पप्पू यादव और क्या कुछ कह रहे हैं। किसकी जीत मानते हैं बताइए? पूरे आवाम के, जिन लोगों ने ट्रस्ट किया, ब्लेसिंग दी जनता की, सर्व समाज की और सच्चाई की। जात पात नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, और जो लोग इस देश में एग्रेशन हमेशा दिखाते हैं, एरोगेंसी दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं या नफरत की राजनीति दिखाते हैं, उसकी हार भी है, केंद्र में भी बिहार में भी है, तो गलत है ना। इस देश की जनता हमेशा बुद्ध के रास्ते, महावीर के रास्ते, राम के रास्ते, शिव के रास्ते, कृष्ण के रास्ते चले, और आप हमेशा उत्तेजना वाली बात करें तो आज का युवा उत्तेजना नहीं देखना चाहता, वो जिंदगी चाहता है, वो जीना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है। और सभी लोग लग गए। आज 25-30 सीट, कम से कम 25 सीट होती है आज इंडिया को। आप कितने कितने से हार रहे हैं, आप मधेपुरा हार रहे हैं, आप कटिहार हार रहे हैं, सुपौल हार रहे हैं, आप खगड़िया हार रहे हैं, अब आप बताइए ना। इधर इधर लेफ्ट अभी नहीं होता, और पवन सिंह जी का जो चुनाव था जिसमें एक तरफा हमारे राजपूत समाज के लोग हो गए, तो सारे कुशवाहा डाइवर्ट कर गए सब लोग, जिसमें इधर सीट जीती। आप हमको बताइए ना कि बिहार में यूपी और महाराष्ट्र की तरह क्यों नहीं लड़ा गया? यूपी में अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार यूपी में देश में संघर्ष करते हैं, और जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में गए आप देख लीजिए, मिश्रा जी के यहाँ आए वहाँ आए उसमें भी आप देख लीजिए। अब स्थिति को देखिए ना, परिस्थिति देखिए ना, तो हालात आज क्या, ये अब मोदी सरकार तो होगी नहीं, एनडीए इंडिया की सरकार होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, कि अब तो मैं चाहता हूँ नीतीश जी और चिराग जी, आपके भरोसे, आपके रमो करम पर सरकार है, आप चरण पादुका भी कर लिए, तो सबसे पहले आप जो 69% आरक्षण दिए हैं देश में, आप वो लागू करवाइए। दूसरा, जाति जनगणना लागू करवाइए। तीसरा, विशेष राज का दर्जा लीजिए, विशेष पैकेज लीजिए, और बिहार के जो पलायन है, जो बाढ़ की स्थिति, हाई डैम आप बनवाइए, अधिक से अधिक एयरपोर्ट हो पूर्णिया में, हो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो आप करिए डेवलपमेंट, मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो। पप्पू यादव से सबसे सबसे व्यक्तिगत संबंध भी है, क्या अगर ऑफर आता है तो पप्पू यादव एनडीए के? सर, मेरी आइडियोलॉजी कंप्लीट रूप से राहुल जी, प्रियंका गांधी जी की है। पीएम मोदी से हम निश्चित रूप से मदद लेंगे पूर्णिया के विकास के लिए और सहयोग के लिए।
देश भर से आए चुनाव परिणाम में एनडीए को सरकार बनाने के लिए जनादेश मिला है। बिहार में एनडीए ने 40 में इस बार 30 सीटें जीती हैं। महागठबंधन ने 9 और एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को मिला है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए काफी जद्दोजहद करते रहे। अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय कराने वाले पप्पू यादव तब निराश हुए जब राजद ने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाकर आरजेडी का सिंबल पूर्णिया से दे दिया। पप्पू यादव ने निर्दलीय ही ताल ठोक दी। पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी समेत राजद के कुनबे ने पूरी ताकत झोंकी थी। तेजस्वी ने यहां कैंप किया और रोड शो जनसभाएं की, लेकिन बीमा भारती की करारी हार यहां हुई।